एवरीवन, मैं अनु और आज हम बात करने जा रहे हैं करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ आने वाली है और मुझे लगता है सबकी तैयारियां हो ही गई होंगी, लेकिन मैं बहुत लेजी हूँ, मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है। मैं इवन अभी तक मार्केट ही नहीं गई हूँ, कुछ भी सामान नहीं आया मेरे घर पर करवा चौथ का, ना पूजा का आया है, ना ही कुछ डिसाइड हुआ है कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके अपने लिए कुछ आउटफिट्स निकाले हैं कि इनमें से मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या पहनना है, क्योंकि इस बार शॉपिंग तो मैंने नहीं की करवा चौथ की, लेकिन हाँ अभी मैं जाऊंगी, मम्मा के लिए मुझे सामान वगैरह लेके आना है, मेकअप का ये सब का, तो अभी मैं गई नहीं हूँ लेकिन मैं आज जाऊंगी। आज तो अभी बारिश बंद ही नहीं होके दे रही है यार, 2-3 दिन से बारिश ही हो जा रही है और आज तो सुबह से बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है, ना तेज आ रही है ना ही बंद हो रही है, धीमे 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 पड़े जा रही है, तो एमी को लेके तो पॉसिबल नहीं हो पाता ना ऐसी बारिश में जाना। मेरे साथ प्रॉब्लम ये भी है कि मैं पहले से डिसाइड करके रख दूँ तो एंड मोमेंट पे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर ही क्रिएट होती है, वो चीज़ तो मैं कभी पहन ही नहीं पाती हूँ, कहीं जाने का भी होता है तभी नहीं पहन पाती हूँ, ये तो फिर भी कोई फेस्टिवल के लिए तैयारी हो रही है और लास्ट मोमेंट पे अब तक 3-4 कपड़े चेंज नहीं होते तब तक मेरा होता ही नहीं, मेरा चलता ही नहीं। दूसरा, मैंने अभी तक रेड नहीं पहना है, रेड क्या, मैंने डार्क कलर नहीं पहना है, मैं जितने भी पहने हैं पेस्टल या फिर मतलब ब्लूइश उसमें जाके ज़्यादा घर में ज़्यादा पहने, पिंक रेड और ऑरेंज इस तरीके का कलर नहीं पहने मैंने करवा चौथ पे, तो इस बार मेरा इस वाले खेमे में आने का मन है, हाँ रेड वाले में, तो मैं रेड पिंक इस तरीके का मन कर रहा है मेरा कुछ भी, देखो लास्ट मोमेंट पे क्या बनता है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ जो जो मैंने निकाला है अभी, तो चलो दिखाती हूँ। तो पहली साड़ी तो ये है कांजीवरम साड़ी और ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, ये मैंने दीदी की एंगेजमेंट पे ली थी और मैंने सिर्फ उनकी एंगेजमेंट पे ही पहनी है, उसके बाद ये धुली भी नहीं है और ये मैंने पहनी भी नहीं है, ये 2-3 घंटे के लिए उनकी एंगेजमेंट पे ही पहनी थी। और दूसरा है ये सूट, ये बानी उसका सॉरी बनारसी सूट है ये, और ये भी मैंने पहना नहीं है, ये भी मैंने चांदनी चौक से लिया था लेकिन ये अभी तक पहना ही नहीं, कोई ओकेजन ही नहीं पड़ा इस तरीके से पहन लूँ। फिर एक ये भी चल रहा है कि साड़ी को तो फिर बिना ड्राई क्लीन कराए रख ही सकते हो पर सूट को नहीं रख सकते ना बिना ड्राई क्लीन के, और फिर मैं सोच रही हूँ 1 घंटे पहन के इसे ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम थोड़े ना मेरे साथ में। तो ये है इस तरीके का कि पता नहीं अब इसे पहन पाऊंगी या नहीं पहन पाऊंगी, पर ये इस तरीके से है, बड़ा प्यारा सूट है, बहुत अच्छा भी लगता है लेकिन पहन ही नहीं पाई हूँ मैं इस बार। एक्चुअली क्या है, सोनू इस बार चेन्नई है तो फिर वो यहाँ पे है नहीं करवा चौथ पे, करवा चौथ से शायद 2 दिन बाद आएंगे तो उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा मुझे। साड़ी मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहनी, इसका ब्लाउज सिलवाया हुआ है लेकिन ये मैंने पहनी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ इसे करवा चौथ पे पहन लेती हूँ। एक साड़ी है ये, इसके साथ मैंने ज्वेलरी भी ये निकाल ली है, तो अगर मौसम अभी चल रहा है ना ऐसा ही मौसम रहा तो फिर मैं ये साड़ी है ये सूट ही पहनूंगी, क्योंकि ये थोड़े से हैवी उसमें है तो फिर मैं ये ही पहन लूंगी, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है तो इस वजह से, अगर गर्मी हो गई करवा चौथ वाले दिन तो फिर मैं इन दोनों साड़ियों में से कुछ चूज करूंगी, ये साड़ी या फिर ये साड़ी, ये मेरी फेवरेट साड़ी है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये ज्वेलरी निकाली है मैंने इनके साथ में, ज्वेलरी का ये है जो भी जिस साड़ी के साथ में या आउटफिट के साथ में अच्छी लगेगी वो मैं पहन लूंगी और फाइनल लुक पता चलेगा करवा चौथ वाले दिन कि किस किस। लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।